Hey, what's up, guys? Welcome back to my YouTube channel. The today's word are nebulous, native, nasty, narrow, and the last one nefarious. Yes, guys, आज के पांच words. चूंकि मेरी जो क्लास चली है वो डेली वोकैबुलरी की क्लास चली है, जिसमें मैं आपको डेली पांच वोकैबुलरी देता हूँ. तो आज के ये वर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनको हम इनकी मीनिंग और एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे, जिससे जब भी ये वर्ड्स आपके सामने दोबारा आए तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाए. सो नो फर्दर ड्रामा और डिले, लेट्स जंप टू द वीडियो. द फर्स्ट वन इज नेबुलस. मतलब देखिए इसका क्या, धुंधला अस्पष्ट, यानी कि ऐसी कोई भी चीज या आपका विचार ही अगर उसमें स्पष्टता नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो वो हमारा क्या है, नेबुलस है. लेट्स सी सम सेंटेंस ऑन दिस वर्ड. Although he has a nebulous idea regarding his future, he is ready to take risk and start his own business. मतलब क्या है, उसको भी समझिए. यद्यपि उसके भविष्य को लेकर काफी धुंधलापन था, लेकिन फिर भी वहाँ रिस्क लेने को तैयार था और उसने अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया. मतलब कि उसका आइडिया क्या था, काफी नेबुलस था, यानी कि उसमें काफी धुंधलापन था, फिर भी उसने रिस्क लिया और अपना एक व्यापार शुरू कर दिया. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. It was not difficult to realize her answer to the question was nebulous. यह समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं था कि उसका जो उत्तर है, उसका जो आंसर है, वो अस्पष्ट है, यानी कि उसने जो आंसर दिया है उसमें स्पष्टता नहीं है, यानी कि वो आंसर कहता है nebulous है, यानी कि अस्पष्ट है. लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, नेटिव. मतलब देखिए इसका क्या है, स्थानीय या मूल, यानी कि आपका जब हम लोकल की बात करते हैं तो वहां पे हमारा नेटिव आता है. अब चलिए इसको भी सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं. He reads a poem in his native language. मतलब देखिए क्या कहना चाह रहा है, उसने अपनी स्थानीय भाषा में पोयम पढ़ी. Native language means स्थानीय भाषा, local language. Let's take another sentence. He speaks English but his native language is German. मतलब क्या है, वह इंग्लिश बोल लेता है लेकिन उसकी स्थानीय भाषा, अगर local language की कहा जाए, वो जर्मन है. And the next word is nasty. मतलब देखिए क्या, घृणाजनक, अश्लील, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि भद्दी हो, गंदी हो, उसको आप नास्टी कहेंगे. ये हमारा एडजेक्टिव का वर्ड है. अब चलिए इसको भी सेंटेंस की मदद से देख लेते हैं. द कॉफी हैज अ नास्टी टेस्ट. मतलब देखिए कॉफी का स्वाद बहुत ही गंदा है, यानी कि उसका टेस्ट कैसा है, नास्टी है, बहुत ही खराब है. नास्टी मीन्स हमारा क्या, वह खराब, गंदा, भद्दा. एक और एग्जाम्पल देखिए इस पे, डोंट बाय दैट कोट, इट लुक्स चीप एंड नास्टी. इस कोट को मत खरीदना, इस कोट को मत लेना, क्योंकि यह कोट काफी भद्दा और गंदा लग रहा है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज नैरो. नैरो का मतलब देख लीजिए, सकरा, संकीर्ण, हम उसको पतला भी कह सकते हैं. दिस वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव वर्ड. चलिए इस पे भी सेंटेंस देखते हैं अपने. द रोड फिनिश्ड इन द नैरो पाथ. मतलब क्या है, सड़क आखिरी में नैरो पाथ के साथ खत्म हुई, यानी कि सड़क सकरे रास्ते के साथ समाप्त होती है. Let's take another sentence. This door is narrow in proportion to its height. मतलब क्या है, उसकी ऊंचाई की तुलना में यह डोर काफी पतला है, यानी कि हाइट की तुलना में डोर काफी क्या है, पतला है. This door is narrow in proportion to its height. And the last word is nefarious. मतलब देखिए इसका क्या है, अति दुष्ट, अति पापी, धर्म के विपरीत जब कोई काम करता है या कोई गलत काम करता है तो वहां पे nefarious होता है. And the sentence of this word is, the bomber's nefarious deed destroyed the many innocent lives. मतलब देखिए इसका, bombers के दुष्ट काम ने कई सारे मासूम लोगों की जान ले ली, यानी कि bombers nefarious deed destroyed the many innocent lives. यानी कि bombers के काम ने, उसके दुष्ट काम ने काफी सारे लोगों की जान ले ली. And the next sentence is, he's a nefarious murderer. वह एक अति दुष्ट मर्डरर है, यानी कि वो इतना खुखार, इतना खतरनाक मर्डरर है, कुछ कुछ कहने को नहीं, यानी कि वो कैसा नेफेरियस है, काफी दुष्ट है. सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्लास. ये पांच वर्ड्स जिनको कि मुझे आपको देना था, और ये लास्ट के जो दो वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, इन्हें आप खुद से करिए और कमेंट में बताइए. तो आपके लिए मैं थोड़े से हिंट्स कर देता हूँ कि इनको मैंने अपनी प्रीवियस किसी क्लास में आपको समझाया हुआ है. सो गाइस, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.